भाईजान ये पूरा मुझे जो है ना नवीन और जो एस एच ओ है तिमूर ने कह कि ये फौज ने हमें ऑर्डर लगाया है। अच्छा, और आई डी पंजाब को यू कम हुआ है कि मतीन पढ़ो। मलक तैमूर ने मुझे कहा कि पूरी पूरी आईएसए तुम्हारे खिलाफ है। अच्छा, पूरी फोर्स तुम्हारे खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट। अब ये बात ये डिपार्टमेंट जो है एहसास अदारे की, इनसे पूछे इसने की मेरे कानों में ये बात क्यों गई। अच्छा मदीन भाई, आप मुझे ये बताया, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, मजबूत की मदद करते हैं, आज आप सलाखों के पीछे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने एमएनए एमपी के इलेक्शन में कागज तो नहीं जमा कराए। भाई जान, अल्लाह पाक ने हुक्म ना, असि एमएनए एमपी तो बहुत उत्ते दी चीज आ, असि वकील काला पेन कोट पा के मैं सारी काली ताकतां दे खिलाफ लड़दे पई आ। सानू अपने हकूक की जंग लड़न लई एमपीए ते एमएनए बनन दी लोड़ नहीं, असि हुण जी मुजाहद आ सर। अगे मेरे लिए कोई एमपी एमएनए नहीं आया, मेरे लिए काला कोट आया, मेरे लिए यही बड़ा अजीज है सर। नहीं मतीन भाई, मैं वो शाखसाना बयान कर रहा हूँ कि जिसकी बिना के ऊपर लोगों के घरों को भी तोड़ा गया, वो चीजें भी सारी की गई, वो उस बारे में बात करूँ कि यहाँ पे कागजात तो नहीं जमा। भाई जान, मेरा कोई कागज नहीं जमा, मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं काला पेंट कोट पहन के मैं इनकी काली करतूतों को एक्सपोज करता हूँ, हक के लिए लड़ता हूँ, मुस्लिम लोगों को छुड़वाता। अच्छा मुझे ये बताया कि आपको क्या बताया गया जब आपको थाना सादा लेके गए, तो क्या बताया गया जब? इन्होंने मुझे ये बताया कि हम अपने दिमाग को किस तरह प्रोटोकॉल देते हैं। अब ये बड़ी सीरियस बात है, आप हिलेरियस ले लें या सीरियस ले लें, मुझे समझ नहीं आई जिन्होंने अपने दिमाग के साथ किया। मैं वो दिमाग हूँ कि अच्छा इसकी बीवी उससे राजी है, ससुराल सिर्फ इसलिए परेशान है कि साड़ी धी साढ़े ना नहीं पहुंचे नहीं। अच्छा मदीन भाई, जो आपके साथ एसोसिएट थे उनके क्या नाम है और कहाँ पे? भाई जान, इन्होंने उनको थाना शाहदरा में भेज दिया ये कहते हुए कि उन्होंने मजामत की, और वीडियो देख लें आप उन्होंने मजामत की है कि नहीं। उनका कसूर ये था कि वो मेरे साथ बैठ के केस तैयार करते हैं। नाम क्या उनका? नाम क्या? उनका नाम है उमर असलम, उनका नाम है हसन, हसन हमायूं। उन दोनों का कसूर ये था कि वो मेरे एसोसिएट। आपके वॉलेट और मोबाइल किसने चोरी किए? मेरे 5-5 लाख के दो मोबाइल है, दोनों मोबाइल मेरे हैं सब इंस्पेक्टर फुरकान के पास। फुरकान के पास मेरे क्लाइंट्स बैठे थे, उन सब क्लाइंट्स के पास आईफोन थे जिनकी मालियत 3-4 लाख के करीब थी, तो तक 6 मोबाइल उन्होंने पकड़े मेरे दफ्तर से मेरे क्लाइंट्स। ठीक है, इनको ये लगता था कि मैं वीडियो सिर्फ बनाता हूँ कैमरे से, दे डोंट नो कि हमारा पूरा सीसीटीवी में फुटेज का पूरा तरीके कार था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पिछले एसोसिएट से जिस तरह उसको कवर किया और उसको संभाला, ये दिखाने के लिए कि मेरे एसोसिएट ने कोई मजामत नहीं की, मैं उनको फ्राइडे से इंग्लिश कर रहा हूँ। मतीन भाई, हम सब उगला आपके साथ हैं, पूरी लाहौर बार आपके साथ है, मेरी भट्टी भी यहाँ पे खड़े आए हैं सुबह। अब ये बताएं कि आपको यहाँ पे पेश किया कि नहीं पेश करना है? भाई जान, ये सारा दिन इनको मैं सुबह से कहता रहूँ मेरा रिकॉर्ड पेश करो। जी जी, ये जान बूझ कर पहले तो एक ही कोर्ट में लेकर आई है। जी जी, और एक ही कोर्ट में लाने के बाद जरा पीछे हो रहे हैं।